सबको राधेश्याम। आई हनुमान विराजिए, कथा होत तुम्हार, तुम सेवक हो राम के, मैं चरणों की दास। प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, क्षिप्रा मैया की जय, हरसिद्धि मैया की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्माणी मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री सीताराम। प्रातपर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, दासी के आराध श्री बाकी बिहारी लाल, प्रभु की कथा के रसे अनंता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कालों के काल भूतनाथ बाबा महाकाल, जिनके काल से जिन महाकाल के भय से काल भी कोसों दूर भाग जाता हो, ऐसे बाबा महाकाल की नगरी में उनके पावन सानिध्य में बैठकर हम उन प्रभु की, उनके इष्ट की श्री रामचरितमानस की पावन मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य इस श्रावण मास के पावन पर्व पर हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाणी में विराजमान माँ शारदा इस कथा के आयोजक बाबा महाकाल, मेरे श्री आराध्य बाकी बिहारी लाल और श्री छिंद वाले दादा, सभी को साक्षी मानते हुए, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, समस्त माताएं पिता तुल्य, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी कथा प्रेमियों को इस धर्म मंच से व्यासपीठ से बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, सभी संगीतज्ञ बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस धर्म की, ज्ञान की, प्रेम की गंगा में अपनी सेवा दे रहे हैं, साउंड वाले भैया को भी, और जिनके माध्यम से यह कथा आप लोग ही नहीं अपितु कई जगह फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे भक्त श्रवण कर रहे हैं, ऐसे मनीष भैया को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एवं जिनसे भी मैं यहाँ परिचित नहीं हूँ लेकिन फिर भी सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए, वाणी की पवित्रता के लिए भगवान का स्मरण, प्रभु का कीर्तन, तत्पश्चात जैसी श्री हनुमान जी की कृपा होगी आज की मंगलमय कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व एक बात और कि देखिए, कोई व्यक्ति है और उसने अधिक शराब पी रखी हो तो वो कहीं जाएगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी उसे क्या लगेगा कि मैं चल रहा हूं। एक व्यक्ति ने कहा, भैया रात हो गई, तूने अधिक शराब पी रखी है, अपने घर चला जा।
तो वो क्या कहता है, भाई मैं चल तो रहा हूं लेकिन जब मेरा घर आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। रात भर हो गई वहीं वहीं घूमता रहा, क्योंकि शराब के नशे में था तो घर तक पहुंच नहीं पाया। सुबह वही व्यक्ति ने कहा, भैया तुम घर नहीं गए? तो कहता है कि भाई रात भर से चल रहा हूं लेकिन क्या करूं, मेरा घर ही अभी तक नहीं आया, जब मेरा घर आएगा तो चला जाऊंगा। उसी प्रकार आप और हम भी माया के चक्कर में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं, लगता है कि भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन माया के फेरे में इतना उलझते जाते हैं, लगता है कि चल रहे हैं लेकिन घर नहीं आता, मंजिल नहीं मिलती, परमात्मा नहीं मिलते। और उस भगवान को पाना है तो पहले सर्वप्रथम कल की कथा में बताया था कि इस मन को निर्मल बना लीजिए। जब तक मन में छल कपट भरा हुआ है तो प्रभु को आप स्वप्न में भी प्रिय नहीं लगोगे। कितना ही भजन करिए, कितना ही दान पुण्य करिए, कितनी ही कथाओं को सुनिए, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं हुआ, कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो एक दिन ऐसा आ जाए, वो कब होगा? जब भगवान का भजन होगा, जब इन आंखों में प्रभु का दर्शन होगा। और वो दर्शन कब होगा? जब गुरु की कृपा से वह दृष्टि प्राप्त होगी, तब। तो प्रेम से बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की। चलिए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में आज नमन करते हैं। कि गुरु दर्श करूं मैं हरदम, मुझे आस ये रहती है, जब तक न करूं दर्शन बेचैन सी लगती है। हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल उन्हें ही पाने का अरमान रहता है। हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल उन्हीं को पाने का अरमान।
जल बिन जैसे मछली कभी रह सकती है। अरे बड़ा भगत बनता है, बड़ी सेवा पूजा करता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? वो दुखी नहीं है। संसार की नजरों में संसार के लोगों को सुख कब मिलता है? जब उनको दिखावा उनके पास हो, संसार की वस्तुएं, संसार का वैभव उनके पास हो, तो उनको लगता है कि हम सुखी हैं। लेकिन भक्त संसार को दिखता है कि ये दुखी है, लेकिन भक्त अंदर से बहुत सुखी होता है। क्योंकि जितनी संसार की चीजें दिखती है ना, ये सब कुछ होंगी तो ये मन उलझता जाएगा। अक्सर बड़े बड़े पैसे वालों को देखो, बिजनेस वालों को, उनको भगवान की भक्ति करने समय नहीं है। क्यों? किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु आप एक बात बताइए, अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे भक्ति दे दो तो आप नहीं देते, लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे पैसा दे दो, मुझे धन दे दो, तो आप उसे जल्दी से दे देते हो। क्यों? तब भगवान ने कहा कि अगर मैं उसे भक्ति दे दूंगा तो मुझे उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, वो जब मुझे बुलाएगा तब मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो धन मांगता है, पैसा मांगता है, तो मैं उसको दे देता हूँ कि जा मेरा पीछा छूटा तू लगा रे माया में। वो कभी फिर भक्ति नहीं कर सकता। फिर तो जब या तो परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे, या जब संसार से ठोकर खा जाएगा तब परमात्मा की शरण में आएगा, इसलिए वो दुखी नहीं होता। हर पल स्वयं के कर्म का फल साथ होता है। हर पल स्वयं साथ होता
जब मिला दुर्लभ इसे व्यर्थ न खोना है। बड़ी कृपा करके प्रभु ने ये नर देह दिया है ना। और इस नर देह को पाकर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करी, सोने उठने खाने पीने और घूमने में अगर ये जीवन बर्बाद कर दिया तो फिर मिलने वाला नहीं है। ये जन्म मिला दुर्लभ हमें व्यर्थ न खोना है। ये जन्म मिला हृदय में भक्ति होती है, जहां कूड़ा करकट पड़ा हो तो वहां जाके तो हम भी नहीं बैठते। तो जिस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ये सब भरा हो और संसार के लोग भरे हों, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को अपने हृदय में बसा लेता है, वही जब बड़ा होता है तो मित्र बन जाते हैं, मित्रों को हृदय में रख लेता है, जब और बड़ा हो जाता है तो विवाह हो जाता है तो पत्नी को हृदय में रख लेता है, फिर और बड़ा हो जाता है जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों को इतना प्रेम करने लगता है कि उनको हृदय में रख लेता है, और अंत समय में तो बुढ़ापा आ गया फिर। और प्रभु को तो स्वच्छ मन चाहिए जिसमें भक्ति हो, जिसमें कुछ भी ना हो, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में दोन समाए। ये जो प्रेम की गली है महाराज ये बड़ी साकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते, या तो संसार को रख लीजिए या फिर भगवान को रख लीजिए। इसलिए संसार में रहिए, सबसे प्रेम करिए, सबका कार्य करिए, व्यवहार को निभाइए, लेकिन मन से एक बात याद रखिए कि अगर वास्तव में सच्चा रिश्ता कोई है जो मरने के बाद भी कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो एक परमात्मा का रिश्ता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमारा साथ दे सके। इसलिए भगवान के भक्ति से हृदय को भर लीजिए। ये जन्म मिला दुर्लभ इसे व्यर्थ न खोना है। जन्म मिला दुर्लभ इसे व्यर्थ न खोना है। हमें प्रभु की भक्ति से इस दिल को भरना है। हमें प्रभु की भक्ति से इस दिल को भरना है। साथ रहता है सुन लेंगे, कल सत्संग में चलेंगे, कल शिवलिंग निर्माण करेंगे, कल दान पुण्य करेंगे, लेकिन कल किसने देखा है? हर पल जो बीत रहा है वो फिर न साथ रहता है। इसलिए केवल एक ही सार है भगवान की भक्ति। गुरुवर की छवि मोहक चितवन को महकाए। 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 ये तो ज्ञान का सूरज
कर्जदार रहता है। हर पल इस एहसान का कर्जदार रहता है, हर जीव इनके एहसान का कर्जदार रहता है। हर पल इस एहसान का कर्जदार अगर अभी कह दिया जाए कि कहीं लड़ाई झगड़े में बोलना हो, सास बहू की लड़ाई हो महाराज, फिर देखो कितनी तेज तेज आवाज निकलती है। और जहां भगवान की बात आए तो, लेकिन एक वास्तविक सत्य, इंसान चुगली करने में शर्म नहीं करता, किसी की निंदा करने में शर्म नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने में शर्म नहीं करता, बुरा काम करने में, जुआ खेलने में, दारू पीने में शर्म नहीं करता, लेकिन भगवान का नाम लेने में उसे शर्म आती है। कितनी बड़ी बात है, जिसका नाम ही जीते जी व्यक्ति नाम नहीं लेता। लेकिन सोचिए, विचार करिए कि वही चार लोग तुम्हारा भार कंधे पर ढोकर ले जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है।
अगर वो ना बोले तो न जाने कहां ये दम पड़ा रहे, कहां ये लाश पड़ी रहे। क्यों? बड़ा वैराग्य जगता है जब कोई मर जाता है, किसी का शरीर पूरा हो जाता है, व्यक्ति उसको ले जाता है, देखो संसार में कुछ नहीं है, एक दिन चले ही जाना है, भगवान का भजन कर लो, चुगली निंदा मत करो। और जैसे ही महाराज शमशान की यात्रा तक उसको ले गए और जलाया, फिर वो वैराग्य भाग गया, फिर वापस से आके अपने काम धंधे में लग गए। माता है तो तेरी मेरी घर की ये सब बातें करने में लग गई, लेकिन इनको छोड़कर अगर कोई दूसरा काम है, जितना समय हम इन व्यर्थ की बातों में लगाते हैं उतना समय हम परमात्मा के भजन में लगाएं, कथा सत्संग में लगाएं। कई माताओं की क्या आदत होती है, अच्छाई भी बहुत है लेकिन बुराई भी बहुत है, और अगर उन बुराइयों को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए महाराज तो एक सदगुण प्रकट हो जाता है। एक माता है, अगर नया नया कहीं मकान लेके गई, पास में रहने लगी, तो क्या कहेगी, देखो पड़ोसन कितनी घमंडी है, बताओ मुझसे बोलती नहीं है। बेचारी दो चार बार बात भी कर लेगी, लेकिन वो आप उसने आपके व्यवहार को देख लिया, अरे ये तो दिनभर फालतू व्यर्थ की बातें करती है, चुगली निंदा करती है, क्या मतलब इसके पास बैठने से। फिर बाद में कहेगी, देखो भाई पहले तो आई तो नई नई थी, दो चार दिन बड़ा बोली, स्वार्थ था, बुरा लगता होगा, लेकिन अब बड़ी घमंडी हो गई, मुझसे बोलती नहीं है। और इसी अवगुण को अगर कहीं मोड़ दिया जाए कि बिचारी काम में होगी, नहीं नहीं आई है, तो वही गुण सदगुण बन जाएगा कि नहीं। किसी की चुगली निंदा छोड़ के उसी समय को परमात्मा में लगाइए, भगवान के भजन में लगाइए। तो कल की कथा को हमने विराम दिया था कि बाबा ने भरत जी के चरणों की वंदना की है। भरत जी के चरणों की वंदना क्यों की महाराज, क्योंकि राम जी से ज्यादा त्याग भरत जी ने किया है। ये रामचरितमानस जीवन में अगर कुछ सिखाती है तो यही सिखाती है, कलयुग है। अगर आज का कोई भाई है, अगर थोड़ा सा जमीन ज्यादा छोटे भाई को ज्यादा मिल जाए तो महाराज दोनों कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से जमीन के टुकड़ों के लिए। लेकिन एक भरत जी को देखिए, कितना बड़ा त्याग किया। प्रभु तो वन में रहे तब उन्हें कष्ट मिला, लेकिन भरत जी अयोध्या की राज भूमि में रहकर भी महाराज जितना प्रभु ने त्याग किया उससे अधिक भरत जी ने त्याग किया। तो जीवन में व्यवहार आ जाए कि अगर क्या हुआ, मेरे बड़े भाई को ज्यादा मिल गया, ज्यादा हिस्सा उसको आ गया, तो क्या हुआ, वो बड़ा है ना, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। और अगर छोटे को ज्यादा मिल गया तो मन में छोटा मन मत करिए, ये सोच लीजिए कि क्या हुआ, मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, अगर छोटे भाई को ज्यादा मिल गया तो क्या हो गया। ये रामचरितमानस सिखाते हैं। भरत जी महाराज के चरणों की वंदना की है कि बंदा हूं प्रथम भरत के चरणा, जिसकी नियम को जिस
जिसकी कठिन तपस्या को, जिसकी साधना को महाराज वर्णन नहीं किया सकता। राम जी तो बनवन की भूमि पर रहे, लेकिन भरत जी ने सोचा कि जब मेरे प्रभु भूमि पर रहते हैं तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं भूमि पर नहीं रह सकता, तो जमीन में गड्ढा खोद करके भरत जी ने वास किया। भरत जी महाराज के चरणों की वंदना की। उसके बाद में श्री शत्रुघ्न जी महाराज के चरणों की वंदना की है। क्यों? क्योंकि इनका नाम तो शत्रुघ्न है, लेकिन जिसका जीवन में कोई शत्रु ना हो, उन शत्रुघ्न महाराज के चरणों की वंदना की। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर का शत्रु बढ़ेगा अगर दुश्मनी करेगा महाराज तो दिखाई भी देगा कि हमारा शत्रु है। तो शत्रुघ्न जी महाराज ने कभी बाहर के शत्रुओं को नहीं मारा, उनका कोई शत्रु नहीं है, उन्होंने जब भी मारा तो अंदर के शत्रु को मारा, क्योंकि महाराज ये अंदर के जो शत्रु है ना बड़े खतरनाक है, बढ़ते भी हैं, दुख भी दिलाते हैं और दिखाई भी नहीं देते। शत्रुघ्न जी ने जब वार किया था तो किस पे वार किया? मंथरा पर, उसको मारा। क्यों? क्योंकि ये लोभ है, और जितना लोभ बढ़ता है उतना दिखाई नहीं देता। व्यक्ति के पास एक मकान है महाराज तो उसको लगता है नहीं नहीं दूसरा भी होना चाहिए, एक गाड़ी है तो लगती नहीं नहीं मेरे पड़ोसी के पास दो गाड़ी है तो मेरे पास भी दो गाड़ी होनी चाहिए। ये लोभ है, ये अंदर का शत्रु है, ना महाराज चैन से रहने देता है और न रहता है। और फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना क्यों की? और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और क्या कहा? कि बंदा हूँ लक्ष्मण पद जले जाता, बंदा हूँ लक्ष्मण पद जले जाता, चरणों की वंदना की। क्योंकि कह रहे हैं शीतल भगत, शीतल इनके चरण है। अब महाराज कोई 14 वर्ष, हम तो 7-8 दिन महाराज नंगे पैर चल जाएं तो पैर में छाले पड़ जाएंगे, हमारे पैर हमारे चरण कठोर बन जाएंगे, लेकिन जो 14 वर्ष भगवान के चरण अयोध्या को छोड़कर नंगे पैर वनवन में चला हो, उसके चरणों को कह रहे हैं कि शीतल सुभग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि जो भगवान के चरणों के पीछे चलता हो महाराज, वो भले ही कैसे ही चले, उसके जीवन में कितनी ही कठिनता हो, लेकिन फिर भी वो भक्तों को सुख देने वाला होता, उसके चरण हमेशा शीतल होते। तो बाबा ने बहुत सुंदर सबकी वंदना करते हुए, और सबकी वंदना तो की, अभी राम जी की वंदना नहीं की। और इस अयोध्या के राम जी के परिवार से ही महाराज श्री हनुमान जी को जोड़ दिया, और हनुमान जी को जोड़ करके बाबा ने श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम किया कि महावीर बिन वो हनुमाना
राम जासु जस आप बताना। नारियों की सेवा करते हुए विधवा हनुमाना, राम जासु जस आप बताना। राम जासु जस आप बताना कि प्रणव हो पवन कुमार खलिवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसही राम शरचाप धर। महावीर विनवऊ हनुमाना। मैं श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिसके यश को मेरे प्रभु श्री राम जी गाते। ऐसे दो ही पात्र हैं रामचरितमानस में, जिस पूरी दुनिया तो राम जी का भजन करती है लेकिन राम जी एक श्री हनुमान जी का और श्री भरत लाल जी का भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और प्रणव हूँ पवन कुमार, मैं पवन कुमार की वंदना करता हूँ। खल वन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी खलों को नाश करने के लिए अग्नि समान है। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। वो हनुमान जी से मैं, वो राम जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हनुमान जी ने कहा कि जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप आकर मेरे हृदय में बैठ जाइए। भगवान ने कहा किस रूप में आऊं, बाल रूप में आऊं, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार है श्री हनुमंत लाल जी और राम जी और भोलेनाथ को तो राम जी का बाल रूप प्रिय है। तो बोले बालक के रूप में आऊं, बोले नहीं प्रभु बाल रूप में नहीं आना, फिर तपस्वी के वेश में आऊं, तुम ब्रह्मचारी हो इसलिए तपस्वी का वेश अच्छा रहेगा ठीक रहेगा। बोले नहीं प्रभु तपस्वी के वेश में भी मत आइए। बोले फिर कैसे आऊं, बोले प्रभु कि जासु हृदय आगार बसही राम शर चाप धर। बोले प्रभु आप अपने तीर कमान तरकश धनुष बाणों को लेकर के आइए और मेरे हृदय में बैठ जाइए। तो जब भी आप भगवान की श्री हनुमान जी की छवि को देखेंगे कि हनुमान जी ने जब अपना सीना फाड़ करके दिखाया तो प्रभु कैसे खड़े हुए, बोलो अपने आयुधों के साथ खड़े हैं कि नहीं, तीर लेके बाण लेके खड़े हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं, हाथ ऊपर करना किस किस ने देखा है। तो हनुमान जी के हृदय में प्रभु तीर कमान लेकर अपने बाणों को लेकर के बैठ गए। फिर भगवान ने कहा हनुमान तुम्हें ये लगेंगे नहीं, तुम्हें चुभेंगे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरे इस हृदय में जितने खल बैठे हुए हैं, जितने दुष्ट बैठे हुए हैं प्रभु आप इन तीर कमान से इन बाणों से इन खलों का नाश कर देना। तो श्री हनुमान जी की वंदना की है और हनुमान जी की वंदना करने के बाद में इस रामचरितमानस को आगे बढ़ाने वाला, सीख देने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला अगर कोई पात्र है तो वो है श्री हनुमंत लाल जी। हम लोग तो थोड़ी सी सेवा कर दें, अगर थोड़ा सा दान कर दें तो कह कह करके बताएंगे हमने इतना दान किया, हमने इतनी सेवा करी, लेकिन हनुमान जी को देखिए कितना प्रभु का सहयोग किया, कितनी सेवा की। और जब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान ये बताओ तुमने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, तुमने कैसे सोने की लंका को जला दिया, तब हनुमान जी ने पता है क्या कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बोले प्रभु ये सब कुछ मैंने नहीं किया,
ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है। तब हनुमान जी के लिए मेरे प्रभु को कहना पड़ा कि सुनो सुत के सुनो कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही मन मोरा सनमुख होई न सकत मन मोरा, सुर सुत तो ही उड़े न मैं नाही, सुन सुत तो उड़े न मैं नाही, उड़े न मैं नाही, उड़े की के लिए प्रभु को कहना पड़ा कि सुनो कपितो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान कोई भी मेरा उपकार करने वाला नहीं है, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, ना कोई मनुष्य, ना कोई सुर, ना कोई नर, ना कोई देवता। और मैंने ये विचार करके देख लिया है कि मैं तुम्हारे इस उपकार का क्या क्या करूं, प्रति उपकार करूं का तोरा, जो तुमने मेरे लिए किया है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना भी विचार किया है कि उसके प्रत्युपकार में सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, मैं क्या मेरा मन भी तुम्हारे उस उपकार का कभी उऋण नहीं चुका सकता। सुनो कपि तो ही उऋण मैं नाही, मैं कभी भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी, अगर जीवन में भक्ति पानी है, जीवन में श्री राम जी को पाना है, तो श्री हनुमान जी की शरण में चले जाइए। और जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है उसे महाराज गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ना तो ज्ञान मिल सकता है, ना बुद्धि में विवेक आ सकता है, ना उसे परमात्मा मिल सकते हैं। एक बार की बात है कि कोई एक भक्त कथा में गया, और जब वो कथा में गया तो उसने श्रवण किया कि कोई कथा में कह रहे थे कि अगर भक्त हो, अगर कोई सेवक हो तो हनुमान जी की तरह होना चाहिए। बोले हनुमान जी की तरह कैसे? बोले हनुमान जी को प्रभु ने कहा था कि जानकी मैया का पता लगा के आना, लेकिन हनुमान जी तो गए और सोने की लंका को जला कर आ गए। वो सेवक के मन में बात बैठ गई। अब वो अगले दिन गया तो उसके मन में ये बात बैठ गई कि जो सेवक होता है उसे मालिक भले ही कुछ कहे या ना कहे, उसे जो उचित लगता है अपने मन से उस कार्य को करना चाहिए। तो अगले दिन सेठ ने कहा, बोले भैया बाजार जाओ और 5 किलो अमरूद लेकर के आना। तो वो नौकर चला गया और उसने 5 किलो अमरूद ले लिए। 5 किलो अमरूद लेने के बाद मन में विचार करने लगा कि कहीं सेठ जी ने 5 किलो अमरूद खा लिए और कहीं बीमार पड़ गए तो मेडिकल पे जा करके महाराज दवाई भी ले ली।
अब दवाई तो हाथ में ले ली, लेकिन मन में विचार चल रहा है कि अगर कहीं सेठ जी दवाई से भी ठीक नहीं हुए तो फिर क्या करूंगा। तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया यही ले आओ, क्या बीमारी है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी फीस देता हूँ, आधी आप अभी ले लो और आधी घर चलोगे तब दे दूंगा। तो उस नौकर ने, उस सेवक ने फीस भी दे दी और डॉक्टर को भी ले आया। और डॉक्टर को लेकर के आने लगा और मन में विचार करने लगा कि सेठ जी ने 5 किलो अमरूद खाए और अमरूद खा करके अगर तबीयत बिगड़ गई तो दवाई लेंगे, और दवाई खा करके अगर भी ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, और अगर डॉक्टर साहब भी ठीक नहीं कर पाए महाराज फिर तो सेठ जी मर जाएंगे, और सेठ जी मर जाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर उनको जलाने के लिए ले जाना पड़ेगा तो फिर बहुत समय लगेगा, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। तो महाराज दुकान पे गया और बढ़िया सा अच्छा 5 मीटर कपड़ा भी ले लिया और बढ़िया चंदन की लकड़ी ली, एक गाड़ी बुक करी और गाड़ी में सारा सामान रख के डॉक्टर को बिठा के घर ले आया। अब जब घर ले आया तो द्वार पर ही खड़ा था कौन, सेठ एक डंडा लेकर। बोले क्यों ये बता कि अमरूद तोड़ने के लिए गया था कि बाजार से लेने के लिए। बोले सेठ जी अमरूद लेने के लिए ही गया था। बोले ये गाड़ी ये साथ में कौन है। बोले सेठ जी ये डॉक्टर है। बोले क्यों लेके आए। बोले मैंने विचार किया कि कहीं आप अस्वस्थ हो गए तो दवाई खाओगे, दवाई से ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर को लेकर आया। और बोले गाड़ी में क्या है। बोले सेठ जी वो मत पूछिए। बोले क्यों ना पूछूं। बोले इतनी देर हो गई जल्दी बताए इस गाड़ी में क्या है। तो कहता है सेठ जी अगर कहीं आप मर गए तो ये आपकी अंतिम यात्रा का सामान है। अब तो सेठ जी ने डंडा उठाया और 2 डंडे मार करके उसको भगा दिया घर से। तो भाई सेवा तो करना लेकिन इतने भी एडवांस नहीं बनना, इतना भी उतावलापन मत करना कि महाराज सेवा सेवा में बात बिगड़ जाए। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे चल करके श्री गोस्वामी जी ने श्री राम जी के चरणों की वंदना की कि राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मेरे प्रभु श्री राम भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, उनके ऊपर जो विपत्ति आती है मेरे प्रभु उसको दूर करने वाले हैं। और मैया जानकी को प्रणाम किया, मैया जानकी की वंदना की है, उसके बाद में भगवान के परम प्रिय नाम की वंदना करते हैं, क्योंकि इस संसार में भगवान का नाम ही पार होने का एक साधन है। परमात्मा के नाम के बिना कोई भी जीव भव सागर से पार कैसे होगा। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप चले जाएंगे तो जीवों का आधार कौन होगा। तब भगवान ने अपनी शक्तियों को समेट करके अपने नाम में समाहित कर दिया और भगवान के नाम की महिमा का गान किया कि जिस प्रभु का, जिस परमात्मा का नाम लेकर, जिनकी नाम की महिमा को जान करके गणेश जी ने परिक्रमा दे दी और आज देवताओं में सर्वप्रथम सबसे पूजनीय बन गए, ये नाम की महिमा है। तो जानी आदि कभी नाम प्रताप भयहु शुद्ध करी उल्टा जाप, कि उल्टा नाम जपा जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक जी
सुंदर शरीर पाकर, सब कुछ पाकर महाराज चोरी करने लगे, रत्नाकर डाकू बन गए। जब नारद जी आए तो नारद जी को भी पकड़ लिया, बांध लिया। नारद जी ने कहा, भैया क्या करते हो? बोले, मेरा तो यही कार्य है। बोले, इस कार्य को करके क्या करते हो? बोले, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि पाप करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हो? बोले, हाँ प्रभु, क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि एक बार अपनी पत्नी से पूछ करके आओ, एक बार अपने बच्चों से पूछ करके आओ कि जिसके लिए तुम ये पाप करते हो, क्या वो तुम्हारे पाप में तुम्हारी भागीदार है? पाप तो उन्हीं के लिए कर रहे हो। तो बोले, बोलने लगे नारद जी से, अच्छा मतलब मैं चला जाऊं पूछने और तुम भाग जाओ? बोले, नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगा। तो रत्नाकर डाकू नारद जी को एक पेड़ से बांध करके चला गया, पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा, देखो मैं पाप करता हूँ, क्या तुम मेरे इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी ने कहा, हम नहीं जानते, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदारी करेंगे? तुम पति हो, हम तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे पाप से कमा कर लेके आओ, चाहे पुण्य से कमा कर लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं। पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी मना कर दिया, पिताजी हम आपके पाप में कोई भागीदारी नहीं है। अब तो बड़ा फड़फड़ाया और दुखी हो करके कि मैंने इतना पाप किया है, अब कैसे इसका प्रायश्चित होगा। नारद जी के चरणों में गए और साष्टांग गिर करके चरणों को पकड़ लिया, हे प्रभु दया करिए, कैसे मेरा उद्धार होगा, किस प्रकार मैंने इतना पाप किया है, इतने लोगों को मारा है। तब नारद जी ने कहा, एक काम करो, कुछ नहीं करना है, केवल भाव और प्रेम से भगवान का नाम लो, क्योंकि कलयुग में कैसे भी क्रोध करके आलस से भाए कुभाए अलक आलस हो, कैसे ही भगवान का नाम लो महाराज, वो मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो राम राम मंत्र दिया, लेकिन रत्नाकर डाकू ने बहुत से लोगों को मारा है। तो कहता है, प्रभु ये राम राम तो नहीं निकलेगा, लेकिन मरा मरा का अभ्यास है, इसलिए मरा मरा निकल सकता है। तो कहने लगे, मरा 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 मरा, लेकिन कह के देखो राम राम ही निकलेगा। इसलिए कहा कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते ही महाराज वाल्मीक रामायण की रचना कर दी, ब्रह्म के समान हो गए। ये भगवान के नाम का प्रताप है। भगवान का नाम भी जपते हो, लेकिन कैसे, मनमुखी होकर के भगवान का नाम मत जपिए, पहले जीवन में कोई गुरु बनाइए, और जब आपको गुरु कोई मंत्र दे उस मंत्र को जपिए, क्योंकि साधारण मंत्र जपोगे उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो मंत्र गुरु के द्वारा मिला है वो मंत्र साधारण नहीं है, वो मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सत्संग करिए। सत्संग कब मिलेगा? जब कोई जीवन में संत होगा, जब गुरु होगा। सत्संग, सत्संग का मतलब ही यही है कि संतों की संगति करिए, अच्छा संग करिए, क्योंकि सत सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधा ते सुहाई, पारस परस कुधा ते सुहाई, पारस परस कुधा ते सुहाई, पाई
तो सठ सुधरही सत संगति पाए, मूर्ख व्यक्ति भी संतों का संग करके मारा सुधर जाता है। पारस परस कुधात सुहाए, जैसे पारस का स्पर्श अगर लोहे को करा दिया जाए तो वो भी स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार अगर जीवन में अच्छी संगति मिलेगी महाराज तो अच्छे बन जाओगे, और बुरी संगति में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। लेकिन वो अच्छी संगति तभी मिलेगी जब प्रभु की कृपा होगी। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनको घर में समझाएं, उनको ऐसी सीख दें, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मित्रवत व्यवहार करके उनको शिक्षा दें कि हमारे बच्चों की संगति कैसी है। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार जाकर के महीने में हफ्ते में जाइए, लेकिन देखिए कि उनके साथ में रहने वाली उनकी संगति, उनकी सहेलियां या उनके दोस्त किस तरह के हैं, उनकी संगति कैसी है, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका खान पीन कैसा है। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो अपने बच्चों को अच्छी संगति वाले व्यक्तियों से जोड़िए, अच्छे उनके मित्रों से जोड़िए, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनका रहन सहन, जिनका संग अच्छा हो, उनको सत्संग में लाइए। क्योंकि अगर आज के बच्चों को आवश्यकता है तो संस्कारों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। आपका जीवन तो सुधर गया, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो तो फिर भी इतने बिगड़े हुए नहीं थे, सत्संग मिल जाता था, कहीं दो चार गलतियां होती थी तो सुधार लेते थे सत्संग सुन के, सत्संग में जाते थे भले ही थोड़ी देर के लिए जाएं। लेकिन आजकल के बच्चों को कहो बेटा कथा में चलो, बेटा सत्संग में चलो, तो वो क्या कहेंगे, अरे मम्मी अभी कोई मेरी उम्र है क्या सत्संग सुनने की, आप जाओ, आप जैसे बूढ़े लोगों का काम है। क्यों आपको सुनने को मिला? क्योंकि आपने उनको शुरू से ही ऐसे संस्कार नहीं दिए, कभी आपने मंदिर में उनको साथ नहीं ले गए, कभी कथा सत्संग में उनको साथ में नहीं ले गए, खूब टीवी खोल करके उनके सामने बैठे, खूब बच्चे भी फिल्म देख रहे हैं और माता पिता भी फिल्म देख रहे हैं, तो संस्कार तो वही आएंगे ना जो हम डालेंगे। आज के बच्चों के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि पूत का पूत तू का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है महाराज, आपने उसको संस्कार दिए हैं, तो आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको संस्कार अगर अच्छे दिए हैं तो वो खुद भी कमा कर खा लेगा और आपको भी खिला देगा, क्योंकि आपने संस्कार दिए। और अगर आपने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र कुपुत्र है महाराज, तो आपको धन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धन जोड़ करके रखा है महाराज, वो धन आपके जीते जी ही बर्बाद कर देगा, आपको भी नरक में ले जाएगा और खुद भी नरक में जाएगा। क्योंकि अपराध तो आपको ही लगेगा ना, क्योंकि जोड़कर तो आपने ही रखा है। कभी आपने धन नहीं जोड़ा होता तो फिर भी एक बार उसको बुद्धि आ जाती कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे माता पिता ने कुछ भी नहीं जोड़ा, तो कम से कम मुझे मेहनत करनी है, मुझे कमा करके खाना है। इसलिए आज के संतान को धन की आवश्यकता नहीं है, आप उनके लिए संस्कार जोड़िए, उनके लिए धर्म जोड़िए, उनके लिए दान पुण्य की कमाई जोड़िए, ताकि वो वृद्धा अवस्था में आपकी सेवा कर सके। माँ बाप तो हमें बादशाहों की तरह पालते हैं,
तो फिर हमारा भी फर्ज है कि बुढ़ापे में हम भी माता पिताओं को शहजादों की तरह पाल पोस करके उनकी सेवा करें। ये नहीं कि बहू आई नहीं और चार दिन माता पिता के साथ रहे नहीं और महाराज अलग हो गए, तो उसका भी कारण आप ही लोग हैं। क्योंकि आप जब बहू देखने जाते हैं, जब आप कोई लड़की देखने जाते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हमें संस्कार वाली लड़की चाहिए, आप क्या कहते हो, हमें दहेज वाली लड़की चाहिए। आजकल के जो संबंध होते हैं ना, वो आपस में समरसता के संबंध नहीं होते, वो धन वैभव के संबंध होते हैं। जहां सौदा पट जाए वही समधि बन जाए, और जहां धन नहीं मिला तो वहां या तो लड़की पसंद नहीं है या फिर कोई ना कोई बात है। तो जब आप इस तरह की डिमांड करके जब लड़की देखने जाएंगे और दहेज वाली बहू लेकर के आएंगे, और जब उसका पिता दहेज में सारा सामान देगा, खूब सारा पैसा देगा, किचन सेट देगा, बेड सेट देगा, सोफा सेट देगा, तो पता है वो क्या कहेगा, ले बेटा किचन सेट, ले बेटा सोफा सेट, और जल्दी से हो जाना अलग सेट। क्या बोलेगा, ले बेटा किचन सेट, ले बेटा सोफा सेट, और जल्दी से हो जाना अलग सेट। फिर वो यही कहेगी कि सासू माँ ज्यादा मत बोलो, अगर ज्यादा परेशान करोगी तो मेरे बाप ने सब कुछ दिया है, अभी चार दिन में अलग हो जाऊंगी। लेकिन संस्कार वाली बहू लेकर के आओगे महाराज, तो फिर आपकी सेवा करेगी, आपको सुख पूर्वक रखेगी। एक कहीं लेख मैंने पढ़ा, उस लेख में ये लिखा हुआ था कि एक बहू नई 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 शादी करके अपने ससुराल में गई, और शादी करके जैसे ही गई अगले दिन ही सासू जी ने कुछ बोल दिया, तो सासू जी को झट से उसने जवाब दे दिया, और जैसे ही जवाब दिया तो सासू जी बड़ी क्रोध में आ गई, सबको बोलने लगी देखो नालायक है बहू, कोई संस्कार नहीं दिए इसकी माँ ने, अभी आए को एक दिन नहीं हुआ और देखो कैसे जवाब देती है, पटर पटर बोलती है। तब वो बहू गई और उस बहू ने कहा, बोले सासू माँ, जब आप मुझे पसंद करके आई थी और जब आपके यहाँ से मेरे लिए रिश्ता गया था ना, तो एक लिस्ट आई थी, और एक लिस्ट आई थी तो उसमें ये लिखा था कि परिवार के सारे लोगों को कपड़े चाहिए, लड़के के लिए फोर व्हीलर चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, और उसमें ये नहीं लिखा था कि इसमें संस्कार भी चाहिए। तो आपकी सारी डिमांडों को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने अपने घर का पूरा धन गिरवी रख दिया, पूरा धन पूरा सामान बेच दिया, बड़ी मुश्किल से आपकी डिमांडों को पूरा किया है, और जब पिता ने इतना किया हो तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, तो मैंने भी अपने संस्कारों को गिरवी रख दिया, क्योंकि आप लेकर ही वही आए थे, आप धन लेकर के आए थे। लेकिन कहीं भी अगर आप देखने के लिए जाएं तो महाराज इस तरह से व्यवहार ना हो, केवल ये कहें कि हमें संस्कारवान बहू चाहिए, और बहू भी नहीं। हाँ एक चीज और बताती हूँ, जब हम कहीं देखने जाते हैं लड़की, तो क्या कहते हैं कि हमें बहू नहीं चाहिए, हमें तो बेटी ही चाहिए। अब हमारे घर में एक बेटी थी, उसका विवाह हो गया तो हम दूसरी बेटी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बोलते बेटी है, लेकिन उसके साथ में बेटी जैसा व्यवहार कभी नहीं करते, उसके साथ में बहू जैसा ही व्यवहार करते, क्योंकि है तो बहू। आप ये कहेंगे कि देवी जी रामचरितमानस सुना रही हैं, लेकिन इस सास बहू की चर्चा कर रही हैं, क्योंकि आज की समाज को सुधारने के लिए इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। जब आगे के प्रसंग में सुनेंगे तब पता लगेगा कि देखो तीन तीन महारानियों ने, मैया कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने माँ जानकी को कैसे रखा कि कभी दिए की लो को ऊपर करने के लिए भी नहीं कहा। जब माँ जानकी वन में जाने लगी तब मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा रोती है और कहती है कि कैसे मेरी जानकी वन के दुखों को
सहन कर पाएगी, क्योंकि मैंने तो कभी अपनी बहू को एक दिए की लो ऊपर करने के लिए भी नहीं कहा, तो कैसे ये जीवन का व्यवहार निभा पाएगी, कैसे वन के कष्टों को सह पाएगी। तो इसलिए जीवन में हम ऐसे संस्कार लेकर के आए, ऐसे आचरण लेकर के आए, ये सब सीखना है तो ये रामचरितमानस से ही सीखने को मिलेगा। तो संस्कार की बात चल रही थी इसलिए इतनी सारी लंबी बात हो गई। तो जीवन में अगर बच्चों के लिए कुछ जोड़ना है तो धन को मत जोड़िए महाराज, संस्कारों को दीजिए, संस्कारों को जोड़िए। तो भगवान के नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी बाबा बताने लगे कि राम एकता पशतिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एकता पशतिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भंजे हो राम आप भव जाओ, भव भय जनना प्रताप श्री राम। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम एक तापस्वती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या रूपी नारी को तारा, राम एक तापस्वती तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, लेकिन राम जी के नाम ने तो महाराज उस अहिल्या रूपी कोटि खल बुद्धियों को सुधारा है। के भंजे हो राम आप भव चापू, मेरे राम जी ने तो एक धनुष को तोड़ा था लेकिन भव भय भंजन नाम प्रताप, लेकिन भगवान के नाम ने तो महाराज इस संसार रूपी भव भय भंजन न जाने कितने लोगों को इस भव से पार कर दिया। इसलिए भगवान से भी ज्यादा भगवान के नाम की महिमा है। श्री हनुमान जी ने कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। क्यों कहा? जब समुद्र बन रहा था, प्रभु को लंका में जाना था, तब समुद्र के किनारे खड़े और समुद्र पर पुल बांधना था तो सब महाराज पत्थर उठा उठा करके नल नील फेंकने लगे, क्योंकि एक संत का श्राप था कि तुम जो भी पत्थर फेंकोगे वो तैर जाएंगे, वो कभी डूबेंगे नहीं। लेकिन पत्थर तैरने का श्राप था, लेकिन वो श्राप भी संत की कृपा से आशीर्वाद बन गया। लेकिन पत्थर तो तैरने लगे, लेकिन तैर के एक पत्थर इधर जाने लगा, एक पत्थर उधर जाने लगा। इधर राम जी को भी चिंता होने लगी, पूरी बानर सेना चिंता करने लगी कि किस प्रकार पुल बने। तब सबने स्मरण किया प्रभु का, युक्ति लगाई, भगवान से प्रार्थना की। तब श्री हनुमान जी को, श्री रामवंत जी को, इन सबको एक युक्ति आई और एक पत्थर पे रा लिखते हैं और दूसरे पत्थर पे मा लिखते हैं, और जब राम नाम लिख करके उन पत्थर को समुद्र में फेंका तब महाराज वो पत्थर आपस में जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते महाराज वो पुल बन गया। जब राम जी ने देखा तो मन में विचार किया कि देखो मेरा नाम इतना बड़ा है क्या कि मेरा नाम लिख करके पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया। तो जहां कोई नहीं था वहां श्री राम जी आए और राम जी ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया, और क्या देखा कि जैसे ही समुद्र में फेंका वो पत्थर डूब गया।
अब तो राम जी को बड़ी चिंता हुई। राम जी ने आसपास में देखा, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं तो क्या कहेंगे कि राम जी ने पत्थर फेंका वो डूब गया। लेकिन हनुमान जी पीछे खड़े थे और हनुमान जी प्रभु को देख करके मुस्कुराने लगे। राम जी ने पूछा, क्या बात है हनुमान, मुस्कुरा क्यों रही हो? बोले, प्रभु आपने पत्थर फेंका वो डूब गया। राम जी ने कहा, भैया क्यों डूब गया बताओ, मैं भी इसी बात को सोच रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि कहाँ लगी नाम बढ़ाइए, आपके नाम की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। मैं तो क्या, स्वयं आप भी आपके नाम की महिमा का वर्णन करना चाहेंगे तो प्रभु हो नहीं पाएगा। कहा कहूं लगी नाम बढ़ाई, राम न सक ही नाम गुन गाई। तो पूछा प्रभु ने, हनुमान ये पत्थर डूब क्यों गया? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जिसे उठा करके इस भव सागर में फेंक देंगे महाराज, उसका तो डूबना निश्चित है, वो तो डूब ही जाएगा। लेकिन जिसने इस भव सागर में आकर के भी आपके नाम का सहारा लिया है, वो तो तैरना ही है, वो कभी डूब नहीं सकता। इसलिए प्रभु आपसे भी ज्यादा आपके नाम की महिमा है, इसलिए खूब दर्शन करें, खूब मंदिरों में जाएं, मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके परमात्मा का नाम जरूर लें, भगवान के नाम का भजन जरूर करें। यदि चाहो तुम कल्याण, यदि चाहो तुम कल्याण, भजो नारायण नाम, यदि चाहो तुम कल्याण, भजो No।
गाहो तुम कल्याण भजो लेकिन महाराज सब नश्वर हैं। जितना लोग नाम के पीछे भागेंगे उतना हम अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे। अगर कोई सच्चा सुख है तो वो भगवान के नाम में है। इसलिए तो मीरा भगवान के नाम में जीती थी। बड़े बड़े जो संत हो गए वो भगवान के नाम में जीते थे। क्यों सुख नहीं होता तो क्यों जीते? मीरा तो कितने बड़े राज घराने की थी, लेकिन पूरा राज वैभव सब छोड़कर भगवान के भजन में लग गई और मेरे गिरधर को पा लिया। हरि नाम ही सुख की कुंजी, हरि नाम ही सुख की कुंजी, साचा धन जीवन की पूंजी, साचा धन जीवन की। धन कमा लो महाराज, जब आंख बंद हो जाएंगी तो जितना भी धन है सब छूट जाएगा। हम दान पुण्य करते हैं तो 10 बार सोचते हैं इतना दुखी नहीं, इतना दुखी नहीं, कहीं बेटा कुछ ना बोलने लग जाए, कहीं बहू कुछ ना बोलने लग जाए, इतना विचार करते हैं। लेकिन ये बात भी सोच लीजिए कि जब शरीर पूरा हो जाता है, जिस दिन 2 आंख बंद हो जाती है, कितना धन जोड़ा वो सब यही रह जाना है। अगर वास्तव में कोई सच्चा धन है तो वो भगवान के नाम का धन है, जो यहाँ भी हमारे साथ है और वहाँ भी हमारे साथ रहेगा। हरि नाम ही सुख की कुंजी, हरि नाम ही सुख की कुंजी, साचा धन जीवन की पूंजी, साचा धन जीवन की। चाहो तुम्हें
साधन है इसको कमा लो, साधन है कमा लो, साचा धन है इसको कमा लो, साचा धन है इसको हरि नाम को अपना बना लो, हरि नाम को अपना नश्वर कमाई जोड़ते हैं जो सिर्फ यहीं रह जानी है। और एक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम समय की सीढ़ियों को गिनता है, जब मरने वाला होता है ना, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। और वो पीड़ा किस बात की होती है? मरने की पीड़ा नहीं होती कि मैं मर रहा हूं, मेरा शरीर पूरा हो रहा है, वो पीड़ा इस बात की होती है कि जीवन में मैंने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, मैंने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना, मैंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया। वो पीड़ा इस बात की होती है कि भगवान के यहाँ पर जाकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। हम सब कुछ तैयारियां करते हैं, कहीं जाना हो तो कितनी पैकिंग करते हैं, लेकिन जहां से आए हैं और जहां जाना है वहां के लिए महाराज कोई भी तैयारी नहीं है, कोई भी प्रयास नहीं है। इसलिए महाराज साचे धन को कमाओ, नश्वर कमाई को नहीं। साचा धन है इसको कमा लो, हरि नाम को अपना बना लो, हरि नाम को अपना बना लो, हो जाओ चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम। संत लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के भाई माला जाप करो। माला जाप करते करते महाराज एक दिन वो माला अपने हाथ से छूट जाए और हर श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलने लगे, वही सच्ची भक्ति है। कई आलसी प्रकार के जो लोग होते हैं ना, जिनको भगवान का भजन करना नहीं है, जिनको माला करनी नहीं है, वे लोग क्या कहते हैं कि माला फेरत जग मुआ मिटाना मन का फेर और कर का मन का छोड़ के मन का फेर, वो इस प्रकार कहते हैं। लेकिन भाई जिसने कर के मन के पर प्रभु का नाम नहीं लिया, वो हृदय के मन के पर कभी प्रभु का नाम नहीं ले सकता। क्योंकि माला तो कर से कहे तू का फेरे मोए,
माला तो खूब फेरते हैं, खूब भक्ति करते हैं, लेकिन महाराज मन से छल कपट नहीं जाता, जीवन में परिवर्तन नहीं आता, किसी की चुगली निंदा बुराई तो महाराज वो छूटती नहीं है, फिर क्या मतलब है ऐसे भजन का। तो माला तू कर से कहे तू का फेरे मोई, और आप हूं जो फिर जाए तो हरी मिला दूं तो। अगर एक बार अपने मन को घुमा लिया महाराज तो भगवान से मिला देगी वो तुम्हें। तो प्रेम से हृदय में प्रभु का नाम लेकर के भगवान का नाम जपना है, जीवन में अच्छे संस्कारों को देना है। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर कथा यह रामचरितमानस की, जहां बाबा ने कि सादर शिव ही नाई अब माथा बर न हो बिशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, मैं भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रभु श्री राम की इस मंगलमय कथा को वर्णन कर रहा हूं। कब कि संबत सौरह सो इकतीसा करहूं कथा हरि पद धरी शीशा। संबत 1631 में बाबा ने जब रामचरितमानस की रचना की तो लिखा कि संबत 1631 में मैंने इस रामचरितमानस की रचना की, लेकिन विराम कब किया ये बाबा ने कभी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि प्रभु का तो कभी विराम होता ही नहीं है, कथा का तो केवल शुभारंभ होता है, विराम तो कभी होता ही नहीं है। भक्ति का तो जीवन में शुभारंभ होना चाहिए, उसका विराम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो बाबा ने ये लिखा। उसके बाद जब बाबा ने रचना की तो जो काल जो ग्रह जो नक्षत्र जो श्री राम जी के जन्म के समय थे, उसी समय जब बाबा ने रचना की तो वो पूरे काल ग्रह नक्षत्र सब उसी समय आ गए। तो बाबा ने कहा कि मैंने अवध के आनंद में सम्मिलित होकर इस रामचरितमानस की रचना की है। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और बाबा ने लिखा कि राम चरित मा नस एही नामा सुनत श्रवण पायई विश्रामा। राम सिया राम सिया राम रे रे राम बोलो राम सिया राम सिया राम रे रे राम। राम चरित मा नस एही नामा सुनत श्रवण पायई रामचरितमानस ही रामा। कल मैंने आपको बताया था कि बाबा ने रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस को देखिए कि मानस चरित्र राम, जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका मन सुंदर हो गया है, उसका चरित्र भी सुंदर हो जाएगा। और जिसका चरित्र सुंदर हो गया है उसे राम को खोजना नहीं पड़ेगा, वो उस हृदय रूपी अयोध्या में राम प्रकट हो जाएंगे। उसका नाम है राम चरित और मानस। तो बाबा ने कहा कि इसी रामचरित मानस को श्रवण करके महाराज हृदय में विश्राम आ जाता है। आगे की कथा को कहते हुए बाबा ने कहा कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा जिन्हें राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज मुनि प्रयाग की पावन भूमि में रहते हैं, जिनका राम जी के प्रति बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है। और ये प्रयागराज की ऐसी पावन भूमि कि माघ मकर गति रबी जब होई
तीरथ पति ही आव सब कोई। जब माघ का महीना होता है तो महाराज जितने भी तीर्थ होते हैं वे सब प्रयागराज की पावन भूमि में पहुंच जाते हैं। देव दनुज की नर नर श्रेणी, जितने भी देवता हैं, जितने भी नर मनुष्य हैं, वे सब इस प्रयागराज की पावन भूमि में पहुंचकर उस त्रिवेणी संगम का आचमन करते हैं, अपने को पावन करते हैं। एक बात और बहुत सुंदर कि जो गंगा जी है और ये कथा गंगा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या? जबकि ये गंगा, जिस गंगा जी में हम जाकर के स्नान करते हैं, वो गंगा बाबा की जटाओं से निकली है। और इस कथा गंगा को हम श्रवण कर रहे हैं ना, ये बाबा के मुख से निकली है। रच महेश निज मानस राखा, बाबा महाकाल भूतनाथ ने इस रामचरितमानस की रचना करके इस कथा रूपी गंगा को अपने हृदय में रख लिया। रामचरितमानस, लेकिन इस कथा में अंतर क्या है? उस गंगा में अगर जाकर के महाराज डुबकी लगाओगे ना, तो केवल शरीर स्वच्छ होगा, हमारे पाप धुल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गंगा जी हमारे संपूर्ण पापों का नाश नहीं कर सकती। लेकिन ये कथा गंगा एक ऐसी गंगा है जो महाराज मन को भी पावन बनाती है और तन को भी सदा सर्वदा के लिए स्वच्छ कर देती है। और एक और अंतर क्या है? उस गंगा जी में अगर गोता लगाने जाना है तो वो हमारे पूर्ण पापों का शमन नहीं कर सकती और वहां जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा महाराज। पहले ट्रेन का रिजर्वेशन निकालो, फिर दो चार दिन पैकिंग करो, फिर वहां जाकर कहां रुकना है वो सारी व्यवस्थाएं करो, फिर भी कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर इस कथा गंगा में गोता लगाना है तो महाराज कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कि हिमालय से जब बर्फ पिघलता है तो वह गंगा की धार बन जाती है, हिमालय से जब बर्फ पिघलता है तो वह गंगा की धार बन जाती है, लेकिन जब प्रभु की कृपा बरसती है तो किसी संत के मुख से भगवान की राम कथा रूपी गंगा हमारे द्वार से बह जाती है। कहीं जाना नहीं पड़ता, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता, लेकिन महाराज घर से तो निकलना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि घर तक आवाज आ जाए तो वो तो संभव नहीं है, और ये भी संभव हो जाता अगर पास में कथा हो रही होती। कहां रामी नगर, कहां मक्सी रोड, कहां वल्लभ नगर और कहां दशहरा मैदान। लेकिन ये भी हम क्या कहते हैं कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की भी ये इच्छा होगी कि श्रावण मास की पावन भूमि पर यह दशहरा मैदान की पावन भूमि पवित्र हो, मेरी कथा से, बाबा के अभिषेक से, क्योंकि ये भगवान की ही मर्जी से हुआ है। तो इस कथा गंगा में गोता लगाना है तो ये आपके द्वार से बह रही है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहती हूं कि जनता जिसे चुनती है वह संसद में बैठता है, जनता जिसे चुनती है वह संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसे चुनते हो वही सत्संग में बैठता है, वही सत्संग में बैठता है। किसी साधारण व्यक्ति की ताकत नहीं है महाराज कि सत्संग में पहुंच जाए। तो बाबा ने जब प्रयागराज की पावन भूमि में माघ मास का महीना आया तो याज्ञवल्लक मुनि भी उस पावनपुरी पावन नगरी में पहुंच गए। और जब माघ मास का महीना पूर्ण होने को आया तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, और जैसे ही भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्लक मुनि को आते हुए देखा, चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। आश्रम में नहीं पहुंचे, याज्ञवल्लक मुनि के पास नहीं गए, लेकिन जब वो आश्रम में आए तो चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम करके
एक ही बात बोलते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। भरद्वाज मुनि राम जी के चरणों के अनुरागी है और याज्ञवल्लक मुनि परम ज्ञानी है। तो नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, क्योंकि कहत सो मोहि लागत भयला जा, जो न कहो बड़े मोर अका जा। याज्ञवल्लक मुनि से भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ मेरे मन में एक बड़ा संशय है, ये नहीं पास में नहीं गए, जब वो आए तब प्रश्न कर रहे हैं और कहते हैं मेरे मन में संशय है, आप मेरे उस संशय को दूर कर दीजिए। कहत सो मोई लागत भय लाजा, बड़े समय से प्रयागराज की पावन भूमि में रहते हैं, कहीं आप ये न सोचने लग जाएं कि अभी तक